राधे जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सदा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के आता रहता है। उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। 31 दिसंबर 2023 गुरुदेव बृहस्पति इस दिन बकरी थे और इस दिन के बाद वो मार्गी हो रहे हैं, यानी जो नया साल आ रहा है आपके लिए 2024 का, 1 जनवरी से गुरु का जो मार्गी पथ है वो आपको प्राप्त होगा और मार्गी गुरु के जो जो लाभ होते हैं वो आपको प्राप्त होंगे। गुरु मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर 2023 को सुबह 8:10 पर और ये अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मार्गी हो रहे हैं। जो नक्षत्र अश्विनी है वो केतु महाराज का नक्षत्र है, गुरु के मित्र हैं केतु महाराज, अच्छे प्रभाव में हैं। हमारे सौर मंडल का जो बृहस्पति है, जुपिटर, सबसे बड़ा विशाल ग्रह, ये सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। इसके बिना कोई भी राशि अछूती नहीं रहती है, हर राशि पर प्रभाव डालता है। कुछ पर थोड़ा खराब डालता है तो कुछ पर थोड़ा अच्छा डालता है, सभी के ऊपर प्रभाव है। हमारे कुंडली में आमतौर पर ये धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बनते हैं और जो कालचक्र कुंडली है उसमें नवम भाव और दसम 12वां भाव उनको मिला हुआ है। नवम भाव में धनु राशि और 12वें भाव में उनकी मीन राशि होती है, तो 2 भाव उनको प्राप्त हैं और ये भाग्य के स्वामी बनकर के बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। गुरु के बारे में कहावत है, ये जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होती है उन भाव को भी बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन अगर ये शनि की राशियों में बैठेंगे, मकर में बैठे राशि में या कुंभ में बैठे, तो वहाँ स्थान हानि करते हैं, वहाँ पर ये स्थान हानि करते हैं और बाकी राशियों में स्थान की वृद्धि करते हैं। या थोड़ा एक उल्टा प्रभाव है कि शनि अगर बृहस्पति की राशि में बैठता है तो उस स्थान को लाभ देता है और बाकी राशि में बैठेगा उस स्थान की स्थान हानि करेगा। अगर उसकी अपनी राशि नहीं है, उसकी मित्र राशि नहीं है, तो उनमें स्थान हानि करता है। लेकिन गुरु शनि की राशि में बैठेगा तो स्थान हानि करता है और बाकी राशि में स्थान की वृद्धि करता है। ये हमारे ज्योतिष का नियम है। तो बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, बहुत कुछ देता है हमें कुंडलियों का। हमारी कुंडली में ये कई जगह का कारक होता है, धन भाव का कारक है, धन देता है। पंचम भाव का कारक है, विद्या बुद्धि संतान देता है। ये नवम भाव का कारक है, भाग्य की वृद्धि करता है, धर्म को बढ़ाता है। दसम भाव का कारक है, हमें व्यापार में उन्नति देता है, समाज में मान सम्मान यश प्राप्त कराता है। और ये 11th हाउस का भी कारक बनता है, तो वहाँ हमारी ज़िंदगी में ये लाभ ही लाभ हमें देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाला ग्रह है। जितना प्रभाव बृहस्पति देते हैं उतना प्रभाव हमें कोई भी ग्रह नहीं देता है, क्योंकि ये 5-5 भावों का कारक है और 5 भावों का कारक का मतलब करीब करीब आधी कुंडली में इसका पूरा अधिकार होता है, अधिपत्य होता है। तो कुल मिला के जो गुरु बृहस्पति हैं बहुत ही अच्छा एक प्रभाव हम लोगों की कुंडली में लेके आते हैं। वैसे ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बहुत ही अच्छा शुभ ग्रह है और अभी ये राशि परिवर्तन भी होगा इनका 2024 में। ये होना है इनका 1 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अभी अप्रैल के लास्ट तक यही रहेंगे मेष राशि में, उसके बाद वृष राशि में चले जाएंगे और वृष राशि में भी ये 9 अक्टूबर 2024 को बकरी अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनका जो परिणाम है वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। तो बात करते हैं अभी कि जब गुरु 1 जनवरी से मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव देगा। मित्रों, ऐसा है कि ये जो 12 राशि होती हैं इनमें थोड़ा सा कुछ 2-4 बातें आपको समझानी होती है। अगर एक ही वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, लोग उसको इंटरेस्टेड नहीं देखने में, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो अलग अलग राशियों में बना रहा हूँ। ये पहला वीडियो आज मेष राशि का है। तो मेष राशि में गुरु नए साल में आपको नव वर्ष में क्या देंगे, सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 2024 आपके लिए मंगलमय है,
खुशियाँ लेके आए, आपको स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में परिवार में आपको हर तरीके से मानसिक शांति प्रदान हो। पहली राशि मेष राशि। अब मेष राशि जो कुंडली चक्र की पहली राशि है, यहाँ पर गुरु महाराज पिछले 2023 से अप्रैल से बैठे हुए हैं और अभी ये बकरी अवस्था में थे, तो 1 जनवरी से इसका जो फल है वो मेष राशि वालों को मार्गी अवस्था में मिलेगा और काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद मेष राशि वालों की जो भाग्य का साथ मिलना तय है, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है और भाग्य का स्वामी स्वयं अगर आपकी राशि में या आपकी लगन में, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको, राशि और लगन के हिसाब से, जैसे आपके ऊपर सुविधा हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जब ये मेष राशि या मेष लग्न में बैठा है तो भाग्य का मालिक बनता है और भाग्य का मालिक जब राशि में या लग्न में आता है तो भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से देता है। ज्ञान का मान सम्मान देंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, समाज में आपकी इज्जत होगी। पीछे काफ़ी समय से आप थोड़े से असमंजस में थे कि अब क्या होगा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ खत्म हो जाएंगी और गुरु आपको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ समाज में आपका एक स्टेटस जो है उसको बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा देंगे, मान बढ़ेगा समाज में, यश बढ़ेगा आपका। पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव पर होने से पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, शिक्षा के अच्छे रास्ते बनेंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है तो संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान से कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। ये नए साल की बात कर रहे हैं आपसे, नया साल में आपके लिए ये सब चीज़ आपको मिलने वाली है। सूर्य देवता 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में उसके प्रभाव में रहेंगे, हालांकि गुरु के साथ 30 अप्रैल तक ही रहेंगे, लेकिन उसी समय 30 अप्रैल तक मेष राशि वाले जब जातक हैं उनको सूर्य का राजयोग का फल प्राप्त होगा। तो सूर्य और बृहस्पति दोनों पंचमेश्वर भाग्य से, एक त्रिकोण का स्वामी और दूसरा त्रिकोण का स्वामी, ये आपको राजयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि धर्म का त्रिकोण होता है, धर्म के त्रिकोण में बैठे हैं तो आपको राजयोग प्रदान करेंगे। सरकारी नौकरी में पदोन्नति आपको मिल सकती है, राजनीति में कोई आपको मंत्री पद प्राप्त हो सकता है, प्रेम संबंधों में कोई शादी आपकी अरेंज हो सकती है, शादी विवाह के रिश्ते आपके बनेंगे, जिनकी शादी पिछले 4 साल से पेंडिंग थी उनकी शादी इस 30 अप्रैल तक अवधि में हो सकती है, ऐसा बृहस्पति के बैठने से हमें फल प्राप्त हो सकता है। जो संतान के इच्छुक थे उनकी मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है। व्यापार दैनिक रोजगार बहुत अच्छा रहेगा आपका। पति पत्नी के जो संबंध थे पीछे थोड़े तनावपूर्ण थे वो अच्छे रहेंगे। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य पूर्ण रूप से आपके फेवर में रहेगा। 1 मई के बाद में जब बृहस्पति गोचर करके वृषभ राशि में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि धन भाव का कारक धन भाव में बैठा है तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। परिवार में कुटुंब में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह शादी पार्टी सगाई किसी का रिश्ता पक्का होना और कोई घर में किसी नर संतान का आना, तो ये सारी चीज़ें शुभ कार्य आपके परिवार में अवश्य होंगे। नौकरी में आपको राहत मिलेगी। हाँ, जो पेट संबंधी परेशानी आपको मई के बाद हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, छठे भाव पर रहेगी, तो यहाँ दृष्टि रहने से आपको कोई ना कोई पेट संबंधी तकलीफ ये अवश्य दे सकते हैं। कर्म भाव में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, आप धर्म परायण बनेंगे और 9 अक्टूबर को गुरु बकरी होंगे तो पूरे साल जो बाकी का समय है वो बकरी का समय रहेगा उनका, तो उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर मिला जुला रहेगा। ये था मेष राशि वालों के लिए गुरु मार्गी का फल क्या है। वीडियो देखना है आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा प्रोग्राम देखा उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम नियमित देखते हैं मैं उस सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ, उसके बाद ये वीडियो पूर्ण होगा। तो हमारा चैनल आपके सामने है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको हमारा अच्छा लगता है प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो उसको अपने मित्रों को शेयर करें। आपको कुछ उपाय बताते हैं। अभी जन्म के समय बृहस्पति आपका अशुभ प्रभाव में था, अशुभ प्रभाव होता है 6, 8, 12 में राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ कोई युति है, 6, 8, 12 में बृहस्पति क्या हुआ है स्वग्रह ही नहीं है तो आपको परेशानी देने वाला बनता है। तो ऐसे बृहस्पति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में कारक बनता है तो आप पोखराज बन सकते हैं।
अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, नीच का बेटा है, आप पीली वस्तुओं को दान करो। अशुभ प्रभाव दे रहा है माथे पे और नाभि पे, आप हल्दी का टीका लगाएं, पीले वस्त्र धारण करने की कोशिश करें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम पीला रुमाल जेब में रखें, और केसर का तिलक लगाएं तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। थोड़ा केसर दूध में डाल के अगर रोज रात को अगर आप थोड़ा लेंगे तो आपको बृहस्पति शुभ प्रभाव देगा। आप वीरवार की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति का मेष राशि वालों के लिए मार्गीय अवस्था में परिणाम था 2024 का। वीडियो कैसा लगता है अपनी राय दें, कमेंट करें। हमसे सवाल पूछने के लिए व्हाट्सएप का हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हम स्टोन का काम भी करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का स्टोन चाहिए तो आप हमारे संस्थान से उचित कीमत और अच्छी क्वालिटी में आपको हमारे से प्राप्त होगा। ऑनलाइन किसी प्रकार का भी पूजा पाठ जब अनुष्ठान कराने के लिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। योग विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आपका सारे काम संपूर्ण कराए जाते हैं। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।